The energy of a beam of ultraviolet light is 1.0 into 10 to 15 hertz. What is the energy in one term of this light expiring 10 electron volt? ठीक है. फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी है 1.0 into 10 to 15 हर्ट्ज, है ना. और इसकी एनर्जी करेंगे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम. तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम क्या होता है? एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, एक क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है? ई इक्वल टू एच न्यू, है ना. न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एच प्लैंक कांस्टेंट. तो वैल्यू रख लीजिए, तो प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? 6.6 इंटू 10 इक्वल माइनस 34. और फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है? 1.0 इंटू 10 इक्वल 15. मल्टीप्लाई करिए तो 6.6 इंटू 10 इक्वल माइनस 34 और प्लस 15 हो जाएगा. तो 6.6 इंटू 10 इक्वल 19 जूल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू हो गई. ये तो जूल में वैल्यू हो गई. इस वैल्यू को कहने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए. आई एक्सप्रेस इट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो टू चेंज जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड जूल बाय 1.6 इंटू 10 इंटू नेगेटिव 19. ठीक है, जैसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलेंगे क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 इंटू नेगेटिव 19 से डिवाइड कर देंगे. तो ये एनर्जी आपकी जो है जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएंगे. ठीक है, इसको डिवाइड करिए तो ये पड़ गया आपका. तो 16 डिवाइड 6.66 डिवाइड बाय 16 कितना हो जाएगा? 66 डिवाइड बाय 16 4.125 कितना है? 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखिए कहते 6.67 अगर ले जाए तो 1.3 आ जाएगा. जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.599 होता है, ठीक है, और इसके वैल्यू 6.667 होगा. तो जब डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाएगी.